Oh, mm -hmm. बात पता चलता है कि लाइफ में जब मौका मिले भगवान जी के डिवोटीज के साथ एसोसिएशन करने का तो इट इज वेरी वैल्यूबुल और वो मौका हमें छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि उसकी बाद में वैल्यू पता चलती है कि बहुत ही स्पेशल है ये प्रभु का जो नाम लेने का अवसर मिलता है या डिवोटीज के मुख से सुनने को मिलता है प्रभु के बारे में जब आप ये चीजें पर्सनलाइज करते हैं आप भगवान को अपना मान के ये करते हैं तो एक कनेक्ट फील होता है तो उसी एनर्जी को अगर हम भगवान के प्रति लगाएं यूथ इज द परफेक्ट टाइम हम भक्ति में रह के भी जो मॉडर्न चीजें हैं उनको इंजॉय कर सकते हैं हरे कृष्णा हर किसी की लाइफ में पेरेंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है यदि हमें हम जीवन में कुछ भी मिलता है तो वो पेरेंट्स के बदौलत ही मिलता है यदि बात करें भक्ति की तो भक्ति भी पेरेंट्स की वजह से ही मिलती है लेकिन आजकल के यूथ के पास हर बच्चों के पास ये फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है वो चीज़ों को चूज़ कर सकते हैं अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से आज हम एक ऐसे यूथ से मिलने वाले हैं जिन्होंने घर को छोड़ करके जाना कि भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट होती है तो आइए हम उनसे बात करते हैं हरे कृष्णा सभी हरे कृष्णा टीवी के दर्शकों को मेरा प्रणाम एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटर विद ऑल ऑफ़ यू थैंक यू सो मच एट फर्स्ट क्योंकि आपने अपना इतना कीमती समय निकाला है आज के इस वार्तालाप के लिए और बहुत सारी बातें करने वाले हैं हम स्पेशली भक्ति को लेकर के कि कैसे आप भक्ति से इंटरेक्ट हुए लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें जी हरे कृष्णा मेरा नाम ऋषिका है और मैं करेंटली यूएस में रहती हूँ कैलिफोर्निया में एंड uh, जब से मैं दो साल की हूँ तब से मम्मी पापा के साथ मंदिर जाते थे इस कॉन से जुड़े हैं हम बट अभी फ़िलहाल मैं एक प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट हूँ जो कैंसर पेशेंट्स के स्पेशलिटी में फोकस है मेरा और अभी मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी तो जैसे अभी आपने बताया कि आपकी हिंदी क्यों अच्छी है क्योंकि एसोसिएशन आपको मिलता रहा उस तरह का लेकिन यदि भक्ति की बात करें क्योंकि हम जो बातें करने वाले हैं वो भक्ति ही मूल है उस बात का क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूथ जिन्हें हर बात में लॉजिकल आंसर चाहिए होता है वो लॉजिकल आंसर वो भक्ति में ढूंढ करके भक्ति में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं इसी के साथ जैसे स्टार्टिंग में बताया कि बचपन से ही एसोसिएशन मिला माता पिता भी भक्ति से जुड़े हुए थे तो जब वो भक्ति करते थे तो आपके मन में किस तरह का विचार आता था, था उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए जी तो जब हम छोटे होते हैं माता पिता जहाँ चलते हैं हम उनके पीछे पीछे चलते हैं क्योंकि हमें तब इतनी समझ नहीं होती तो उन्हीं के साथ आरती में बैठना उन्होंने कहा भोग लगाओ तो चॉकलेट भी खरीद के आए मार्केट से तो चॉकलेट भगवान को दे दिया तो ऐसे करते थे घर पे लेकिन जब मैं यूके में पढ़ाई करने गई मैंने मास्टर्स इन फार्मेसी की इंग्लैंड से तो तब वहाँ पे इतने डिवोटी एसोसिएशन नहीं था जैसे सत्संग वंस इन अ मंथ होता था वेरस जब घर पे थे तो एवरी संडे सत्संग होता और मंदिर जाते थे या किसी डिवोटी के घर पे सन्यासी आ रहे हैं तो ज़्यादा रेगुलर था बट जब घर से दूर गए तब पता चला कि जीवन में कुछ मिसिंग है मतलब वो जो वंस इन अ मंथ सत्संग था उसके लिए इतनी क्रेविंग होती थी कि कब आएगा सत्संग और अगर क्लास भी लेट है तो क्लास से जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके जाना ताकि अटेंड कर सकें और मंदिर में सेवा करना जैसे सत्संग होता था तो आई वुड ट्राई कि मैं कुछ प्रसाद में हेल्प करूं तो ऐसे ऐसे मेरी रुचि और बढ़ी घर से दूर जाने के बाद और मैं साथ में अपनी डीटीज भी लेके गई थी तो उनकी सेवा करना स्पेशली भोग बनाना क्लास से आने के बाद और एकादशी व्रत रखना आरती करना तो ये सब घर पे होता था लेकिन खुद से करने के बाद पता चला कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में कि सब कुछ होने के बावजूद भी यू you नो know, सब सोचते कि आप फॉरेन में पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत स्पेशल है लेकिन असली स्पेशलिटी है भगवान को अपने लाइफ के बीच में रख के सब चीज़ें करना जैसे कि अभी तो आपने संक्षिप्त में हमें बताया है कि इस तरह की चीज़ें और इस तरह के सिचुएशंस आए आपके लाइफ में जहाँ पर आपने आ, माता पिता से दूर होने के बाद भक्ति को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस कम किया लेकिन दूर होने के बाद पता चला कि वाकई भक्ति क्या है और हमें क्यों करनी चाहिए इसी के साथ यदि पहले की बात करें यू जाने से पहले तो क्या मन में कभी इच्छा नहीं हुई कि हाँ भक्ति करना चाहिए ये इम्पोर्टेंट है उस उस वक्त क्या लगता था कि बस करना है मम्मी पापा कर रहे हैं तो हम भी करेंगे क्या हमेशा इस तरह की चीज़ें चलती थी या कहीं ना कहीं आपको लगा कि हाँ कुछ तो चेंज हो रहा है मेरे अंदर बहुत सही प्रश्न पूछा आपने तो जब घर पे थे मम्मी पापा के साथ तो एवरी संडे मंदिर जाने का प्रोग्राम था या किसी डिवोटी के घर जाना तो तब लगता था अरे नहीं पहले होमवर्क ख़त्म कर ले या यू you नो know, पहले टीवी देखना और फिर लगना अरे चलो अभी होमवर्क करेंगे तो संडे को कभी कभी मंदिर नहीं जाना तो ठीक है अगले संडे चले जाएंगे उसमें क्या है लेकिन इस चीज़ की वैल्यू पता चली कि अरे मैं ऐसा तब क्यों करती थी मंदिर तब संडे को जाती मम्मी पापा के साथ तो और भी मेरा इंटरेस्ट बिल्ड होता मुझे और समझ आती तो ये सब चीज़ें जो है अलग रहने के बाद पता चलता है कि लाइफ में जब मौका मिले भगवान जी के डिवोटीज़ के साथ एसोसिएशन करने का तो इट इज़ वेरी वैल्यूबल और वो मौका हमें छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि उसकी बाद में वैल्यू पता चलती कि बहुत ही स्पेशल है ये प्रभु का जो नाम लेने का अवसर मिलता है या डिवोटीज़ के मुख से सुनने को मिलता है प्रभु के बारे में तो इट्स वेरी स्पेशल जब हम छोटे होते हैं जैसे आपने बताया कि मम्मी पापा चल रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं उनके पीछे लग जब लेकिन जब एक्चुअल बात करें कि आपने एक्चुअल इस के बारे में इस की के फ़िलासफ़ी के बारे में जानना शुरू किया कि प्रभुपाद कौन है प्रभुपाद ने किस तरह की फ़िलासफ़ी दी है हमें इस में तब किस तरह का चेंज आया किस तरह का थाट आ रहा था एक्चुअल आपके मन में कि हाँ ये चीज़ें हैं जिसमें मैं बचपन से जा रही थी क्या इतनी सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर किस तरह का था वो सिचुएशन एक्चुअली एक्चुअली जब मैं यूके गई तब मेरे साथ जो मेरे रूममेट्स थे वो सब नॉन डिवोटीज थे और वो ब्रिटिश स्टूडेंट्स थे तो उनको भगवान जी के बारे में या हम यू नो कैसे नियम फॉलो करते हैं नॉन वेज नहीं खाते नो अनियन गार्लिक तो उनको ये चीज़ बहुत नई लगी तो तब मैं सोचती थी कि प्रभुपाद जी ने कैसे इतने सारे भक्तों को ये बात समझाई और तब ऐसे भी नहीं था कि यू you नो know, वो यंग थे या ही वॉज़ अ वेरी पॉपुलर फेस तो ऐसे समझाना इतने भक्तों को यू you नो know, अट्रैक्ट करना विदाउट कृष्णाज मसी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है मतलब मैं अपने चार रूममेट्स को नहीं समझा पाई जबकि मैं उनके साथ एक साल रही हूँ तो प्रभुपाद जी ने इतने कम टाइम में इतने सारे यू नो अट्रैक्ट किए और डिवोटीज़ बनाए तो आई आईडियलाइज के इट्स इट्स नॉट अ सिंपल थिंग इतना जो प्रभुपाद जी ने अचीव किया है तो वी शुड वैल्यू इट इवन मोर एस्पेशली जो प्रभुपाद की बुक्स हैं जब घर पे थे तो श्रीमद भागवतम भी है घर पे पढ़ने के लिए यू नो गीता भी है बट तब कभी पढ़ा नहीं कि अच्छा चलो ठीक है पढ़ लेंगे यू you नो know, हमारे पास ही है बट जब मैं दूर गई तो मुझे क्रेविंग हुई कि मैं पढ़ना चाहती हूँ यू नो मम्मी पापा हमेशा क्यों इतना पढ़ते हैं या मंदिर में क्यों इसी इन्हीं ग्रंथों पे इतना यू नो सत्संग होता है तो इससे जुड़ा एक इंसिडेंट है तो मैं ये शेयर करना चाहूँगी आप हाँ, बिल्कुल शेयर कीजिए क्योंकि इंसिडेंट सुनने के बाद हम और ज़्यादा कनेक्शन फ़ील कर पाते हैं कि हाँ कृष्णा के साथ कुछ रेसी प्रोकेशन हुए आपके और हम स्टोरी से और भी ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं तो ऑब्वियसली यू मस्ट शेयर जी डेफिनेटली तो जैसे मैंने कहा कि लिवरपूल जहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही थी यूके में तो वहाँ वंस एन मंथ सत्संग होता था एंड बहुत ही स्मॉल कम्युनिटी ऑफ डिवोटीज़ थे तो वहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रही थी जैसे यू नो लोकल मार्केट होता है वहाँ पर तो तब मेरे मन में आया कि यू you नो know, घर पे श्रीमद् भागवतम होती थी मैंने कभी पढ़ी नहीं बट अभी मुझे ज़रूर पढ़ना है मन में एक ऐसी इच्छा प्रकट हुई तो तब मेरे पास ऐसा कोई कैश नहीं था मैं यूनिवर्सिटी से ही आई थी तो ऐसे जल्दी जल्दी मैं अपना बैग वगैरह सब घर पे रख के आई तो मैंने कहा कि चलो नेक्स्ट टाइम है ना मैं लक्ष्मी लेके आऊँगी आई विल बाय तो तब मैं सेवा में लग गई तो ध्यान नहीं आया घर चली गई और मैं पूरे रस्ते भर सोच रही थी अरे काश मेरे पास भी एक कॉपी होती मैं पढ़ती और जैसे ही मैं अपने स्टूडेंट अकोमोडेशन गई वहाँ पर जैसे कॉमन लंच रूम होते हैं जहाँ सब बैठ के अपना प्रसाद लेते हैं वहाँ पे एक श्रीमद् भागवतम की कॉपी पड़ी हुई थी और मैंने अपने रूममेट से पूछा एंड यू नो कोई भी डिवोटी नहीं है या कोई मंदिर नहीं जाता सत्संग नहीं करता तो ये यह यहाँ पे कैसे आए और हमारे कम्युनिटी में भी कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन का अरेंजमेंट नहीं था तो तब मुझे लगा कि कृष्णा मुझे एक मैसेज दे रहे हैं कि यू you नो know, मैं सही ट्रैक पर चल रही हूँ और मुझे अपनी क्यूरियोसिटी फॉलो करके पढ़ना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम जो इतना स्पेशल ग्रंथ है थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड हमारी स्क्रिप्चर्स हैं जो साइंटिफिक भी हैं और आजकल की मॉडर्न एज में भी हमें गाइड करते हैं मुझे वो पढ़ना चाहिए तो दिस वाज अ वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस और तब से मैं और ध्यान दे के पढ़ने लगी और जब नहीं भी पढ़ पाऊँ तो सपोजिंग कुछ कार्य कर रहे हैं तो साथ में आप लेक्चर सुन रहे हैं या जो भी आपको टॉपिक इंटरेस्ट कर रहा है आप उस पर सुनिए तो इट्स रियली लाइफ चेंजिंग तो जैसे अभी ऋषिका जी ने बताया कि घर से दूर होने के बाद उन्हें पता चला कि भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ भागवतम ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जब हमारे जीवन में कुछ कमी खलती है तब हम उस चीज़ के प्रति और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जैसे ऋषिका जी ने हमसे शेयर की अपनी स्टोरी और साथ ही साथ वो रसी प्रोकेशन भी बताया कि किस तरह उन्हें भागवतम मिला और साथ ही साथ उन्होंने भागवतम का जो इम्पॉर्टेंस है उसका महत्व है वो भी समझते हुए कृष्ण प्रेम प्राप्त किया माता जी आपने कृष्ण प्रेम प्राप्त किया साथ ही साथ भक्ति प्राप्त करी वो भी तब जब कहीं भी इन चीज़ों की कुछ भी ऐसी झलक तक नहीं थी जहाँ पर उस जगह पर रह कर के आपने इन दोनों चीज़ों को प्राप्त किया है कितना डिफ़िकल्ट हुआ कैसा एक्सपीरियंस था यूके में रह करके भक्ति करना तो घर पे हमारी ड्यूटीज़ है मम्मी पापा के घर पे जगन्नाथ जी हैं और गौनित है और, और लड्डू गोपाल जी हैं तो जब मैं घर से दूर गई तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी साथ में लेके आई थी कि मेरे भाई हैं भगवान जी मैं उनको अपना भाई मानती हूँ ही विल बी देर मुझे गाइड करेंगे मेरा ध्यान रखेंगे तो मैं उन्हें अपने साथ लाई तो तब हमारी असाइनमेंट्स होती हैं होमवर्क होता है तो कभी कभी टाइम नहीं मिलता अच्छे से सेवा करने का तो आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि मैं सुबह जल्दी उठूँ और चाहे क्लास के लिए और भी जल्दी उठना पड़े बट भगवान जी की सेवा के लिए आई वुड मेक श्योर कि मैं भोग लगाऊँ आरती करूँ जाने से पहले जबकि जब मैं घर पर थी तो बस जल्दी जल्दी भगवान के सामने प्रणाम किया और निकल गए कॉलेज या स्कूल लेकिन जब मैंने खुद के भगवान जी घर पर रखे या डी सेवा करनी शुरू करी तो अपने आप ही एक रूटीन में आई कि यू नो ये इंपॉर्टेंट है मुझे जल्दी उठना चाहिए मेरे भगवान जी भूखे हैं उनको भोग लगाऊं आरती करूं तो जब आप ये चीज़ें पर्सनलाइज़ करते हैं आप भगवान को अपना मान के ये करते हैं तो एक कनेक्ट फील होता है और भोग लगाना जैसे हम घर पर लगाते हैं वो भी किया और घर पर मेरा ऐसा कुकिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि मम्मी पापा घर पर सब बनाते हैं तो जब मैंने भोग लगाया और टेस्ट नहीं करते हम भोग लगाने से पहले तो जब भोग लगाना आप बिलीव नहीं करेंगे इतना स्वादिष्ट प्रसाद बनता था वो कि मैं सोचती थी ये मैंने तो बिल्कुल भी नहीं किया है ये राधा रानी ने अपने आप ही उसमें टेस्ट डाला है भगवान जी के लिए तो ऐसी ऐसी चीज़ों से पता चला कि जो हम मम्मी पापा के साथ करते हैं यू नो उनको बस एक फॉलो करते हैं बचपन में कि वो कर रहे तो चलो हम भी करते हैं वो सिर्फ कोई ऐसी सिंपल चीज़ें नहीं होती उनके पीछे बहुत एक गूढ़ रहस्य होता है जिसको हम खुद एक्सपीरियंस कर करें तो हम समझ पाते हैं कि ये बहुत वैल्यूएबल अनमोल चीज़ें हैं जीवन की तो जैसे अपने बचपन से लेके अब तक की जो स्टोरी मैं बताई अपनी रियलाइजेशन बताई कृष्णा के साथ किस तरह ऐसी प्रोकेशन हुए और कैसे भक्ति में और भी ज़्यादा अपडेटर माइंड होती चली गई लेकिन इतने वर्षों में क्या कभी बीच में ऐसा हुआ कि लगता होगा कि अब मुझे थोड़ा सा भक्ति से दूर जाना या फिर मुझे बाहर की दुनिया की चीज़ों को देखना है कि बाहर क्या होता है क्या इस तरह की चीज़ें कभी तो बहुत बार जब हम घर से दूर होते हैं तो मन करता है चलो कुछ अच्छा खाते हैं अब बोर हो गया यू you नो know, खुद का वो ही खा खा के तो ऐसे कभी मन किया चलो आज चाइनीज़ खाते हैं चाइनीज़ तो हम सबको कितना अच्छा लगता है चाउमिन हो गया मंचूरियन हो गया तो मैंने एक दो बार खाया तो मोस्टली चाइनीज़ में अनियन गार्लिक तो रहता ही उसके बिना तो तो मैंने खाया तो दो चीज़ें हुई मेरे साथ एक तो मन में गिल्ट आया कि अरे घर पे कभी खाया नहीं अनियन गार्लिक मैं बाहर खा रही हूँ तो ठीक नहीं है और ये तो चलो टेम्प्रेरी गिल्ट था पर जब मैं घर गई और भगवान जी मेरे लड्डू गोपाल जी घर पे थे तो आई वॉज लाइक भगवान जी तो भूखे उनको तो मैंने कुछ नहीं खिलाया और ये चाइनीज़ तो मैं उनको नहीं खिला सकती तो तब मुझे स्ट्राइक को अगर भगवान जी नहीं खा रहे हैं या मम्मी पापा ने घर पे नहीं बनाया भगवान को ऑफर नहीं कर सकते तो मैं कैसे ये कर सकती हूँ तो मन में एक और भी गिल्ट होने लगा तो तब से मैंने मन में सोचा कि मैं यही सेम प्रसाद अगर इसी टेस्ट का घर पे बनाऊँ एकदम सात्विक में तो तब से मैंने घर पे चाइनीज़ इटालियन पिज़्ज़ा पास्ता सब भगवान जी के लिए बनाना शुरू करा और उससे भी अच्छा टेस्ट आने लगा एंड सो मच सो किवन जब हम एकादशी का व्रत रखते हैं जो महीने में दो बार आता है उसमें भी कभी क्रेविंग होता है अरे अब साबुदाना का खिचड़ी कैसे कोई खाएगा तो वो भी एकादशी पिज़्ज़ा एकादशी नूडल्स बना के भगवान को भोग लगाना और फिर उस प्रसाद को पाना तो ऐसा नहीं है कि हम भक्ति में आए तो यू you नो know, हम कंप्लीटली साधु बन जाएँ हम भक्ति में रह के भी जो मॉडर्न चीज़ें हैं उनको इंजॉय कर सकते हैं प्रभु पे ध्यान दे तो इट्स वेरी वेरी पॉसिबल तो जब आप कैनेडा से यूके चली गई पढ़ाई करने के लिए मम्मी पापा से दूर हुए आप उसके बाद वहाँ की एक अलग फ्रीडम वहाँ पे एक अलग लविश लाइफ आपने देखा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत बदल चुकी होगी लेकिन उस बीच भक्ति को कैसे आपने मिस किया क्यों मिस किया भक्ति को क्या कुछ ऐसा रियलाइजेशन हुआ उस वक्त तो इसके बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जी बिल्कुल बहुत उचित प्रश्न है ये क्योंकि जब हम दोस्तों के साथ रहते हैं वहाँ का एटमोसफियर माहौल ऐसा है कि यू you नो know, हर एक हर एक स्टूडेंट उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहता है वो जो फ्रीडम मिलती है या सब दोस्त मिलके कुछ पार्टी कर रहे हैं या कुछ मस्ती धमाल कर रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे अवसर थे और ऐसा भी नहीं है कि घर पे मम्मी पापा ने कभी रोक लगा के रखी हो कि सिर्फ यही खाना है या सिर्फ मंदिर ही जाना है ऐसा जो हमें बिल्कुल खुली यू you नो know, वो फ्रीडम था कि हम जो चाहें कर सकते हैं लेकिन फिर भी जब हम जिस माहौल में रहते कभी कभी हम उससे यू you नो know, प्रभावित होने लग जाते हैं तो जो दोस्तों ने करना मैंने भी सोचा चलो एक दो बार ट्राई करके देखते हैं ऐसा क्या है वो लोग इतना यू नो एक्साइटेड फील करते हैं तो मैं भी एक दो बार गई उनके साथ लेकिन वहाँ पे ऐसा लगता था कि ये जो दिख रहा है ना ये सिर्फ बाहर का ही है मतलब अंदर से कुछ मिसिंग है कुछ एम्प्टी है मतलब दोस्तों के साथ पार्टी करके जब आप वापस घर आते हो यू फील लाइक डैट से बस यही था like, लाइक वालाउट म्यूजिक या ये सब शोर शराबा तो आफ्टर आई स्टार्टड रियलाइजिंग आफ्टर मैंने ये चीज़ें खुद एक्सपीरियंस करी ऐसा नहीं है कि मैंने वो सब कभी ट्राई नहीं किया उधर रहने के बाद सब एक्सपीरियंस किया ट्राई किया चार साल में यूके में रही मम्मी पापा से दूर तो तब आई फेल कि नहीं ये सब करने के बाद भी मेरी लाइफ में कुछ तो मिसिंग है और वो भगवान जी थे बिकॉज आफ्टर आई स्टार्टड यू नो प्रभु के बारे में सुनना भोग लगाना आरती करना ये सब डे टू डे रूटीन में था अलोंग विद गोइंग टू यूनिवर्सिटी एंड स्टडिंग और मैं पार्ट टाइम जॉब भी करती थी वहाँ पे तो इस सब के बीच में से भगवान के लिए समय निकालना वॉज नॉट लाइक अरे कितना बड़ा टास्क है इट वॉज़ अ प्लेजर कि वाह मैं भगवान जी के साथ इंटरक्ट करूँगी तो दिस ऑल हैज़ कम विद एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग ऑल ऑफ सो कॉल्ड फन थिंग्स जो हम सोचते हैं क्योंकि okay, इसका क्रेडिट हम इस बात को दे सकते हैं कि आपने जो डिटीज अपने घर से ले गई ले करके आप बाहर गई थी क्या उसके वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो रही थी या फिर कुछ अलग ही था डेफिनेटली उनकी वजह से था एंड ऑल्सो जो हम बचपन में यू नो मम्मी पापा के साथ मंदिर जाते थे बट तब भी लेक्चर में बैठना हम हाँ सब सुनते थे बट तब लगता नहीं था अरे ऐसे ही बैठे हैं बट बाद में वो चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं कहीं ना कहीं एंड दे कम बैक टू यू यू नो तो दीस थिंग्स ऑल्सो वेरी मच हेल्प एंड भगवान मुझे हर स्टेप पे हेल्प करते थे पता है मेरे इतने मुश्किल एग्ज़ाम्स थे मतलब मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने इतने लंबे समय पढ़ाई की इनफैक्ट वो मुझे पढ़ाते थे वो क्लियर नहीं हुए और अब मानोगे ना ये थोड़ी सी यू you नो know, शायद कई समझेंगे कि चाइल्डिश बात है बट हर एग्ज़ाम पेपर के ऊपर भगवान का नाम लिखना या भगवान से पहले कहना कि आप ही मेरा पेपर लिखेंगे तो इतने मुश्किल मुश्किल एग्ज़ाम्स आई फील भगवान जी ने मेरे लिए खुद ही आके हेल्प किए है तो दीज स्मॉल इंसिडेंट्स रियली यू नो पुश्ड मी टू बिलीव के भगवान जी इज़ देयर ही इज़ लुकिंग आउट फॉर मी एंड एज अ फ्रेंड हु लुक्स आफ्टर यू आपका भी मन करते हैं मैं भी रेसिप प्रोकेट करूँ या मैं भी अपना टाइम उनको दूँ तो ऐसे एक्सपीरियंसिस ने मुझे और अट्रैक्ट किया है जिस तरह से आपने अपने लाइफ में जो भागवतम का इंसिडेंट हुआ वो एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया उसी तरह का कुछ और ऐसा मेरिकल इंसिडेंट है आपके लाइफ में जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहती हो जी बिल्कुल इनफैक्ट ये बहुत रिसेंटली हुआ मेरे साथ जस्ट लास्ट मंथ मैं गुजरात यात्रा पे गई थी सारे जो प्राचीन मंदिर है हमारे द्वारकाधीश जी और डाकोर में रणछोड़ जी का मंदिर है तो मैं वहाँ पे दर्शन कर रही थी और जैसे हम सब यूथ की क्यूरियोसिटी होती कि सब कुछ स्मार्टफोन में कैप्चर कर ले पोस्ट कर ले शेयर करें तो वैसे मेरा मन किया कि मैं भगवान जी की जो जो अर्च विग्रह या जो भगवान की मूर्ति है उसकी एक फ़ोटो ले लूं और जितने प्राचीन मंदिर हैं जैसे कि रणछोड़ राय जी का मंदिर है डाकोर में वहाँ फ़ोन तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है तो मैंने सोचा चलो एक फ़ोटो हो जाती तो ठीक है मैं भगवान के दर्शन करने लग गई और उसी समय मेरा फ़ोन वाइब्रेट करने लगा तो मैंने कहा फ़ोन कैसे निकालो तो ऐसे नीचे छुप के मैंने फ़ोन आंसर किया हेलो तो उसी समय एक दूसरे मंदिर के पुजारी जी का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि ये एक प्रभु जी हैं मंदिर में डाकोर जी रणछोड़ राय जी के मंदिर में तो अब जाके उनका पूछिए तो मैंने कहा मंदिर में तो इतनी भीड़ है मैं कैसे ढूंढूंगी ये प्रभु जी को और ये नाम तो बहुत कॉमन है तो फिर मैं गई तो उन्होंने कहा अरे ये तो प्रभु जी अभी तो गए हैं अपने किसी काम से तो वो तो अवेलेबल नहीं है तो मैंने कहा ठीक है जैसे प्रभु की इच्छा और उसी समय वो प्रभु जी सामने आ गए तो कहते जी माते जी आप आइए तो तो मैंने प्रभु जी से नहीं कहा कि मुझे वीडियो लेनी है फोटो लेनी काज थोड़ा एम्बेरसिंग लगता है यू नो पुजारी आए मंदिर के मैं उन्हें बोल रही मेरे लिए फ़ोटो ले दो वो तो भगवान की स्वयं सेवा करते तो मैंने कहा जी प्रभु जी हरे कृष्णा नाइस टू मीट यू तो वो कहते माता जी आपकी फैमिली मेम्बर्स तो साथ में नहीं आए सिर्फ आप और आपकी मदर हैं तो मैं उनको भी दर्शन करवाना चाहता हूँ तो उनने मेरा फ़ोन लिया और बाकी जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स थे उनको वीडियो कॉल करा और भगवान जी की फ़ोटो ली तो इट वॉज़ लाइक अ मेरिकल कि मैं बस सोच ही रही थी मन में कि यू you नो know, काश ऐसा हो सके और इतने प्राचीन मंदिर में आप फोन निकाल भी नहीं सकते और इतने भक्तों की संख्या होती है तो आई फील लाइक भगवान जी हमसे रेसिप्रोकेट करते हैं अगर आप हृदय से उनको कुछ विनती करते हैं या कोई आपकी इच्छा होती है तो भगवान बिल्कुल आपके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं ऐसा नहीं है कि भगवान अनरीचेबल है या सिर्फ हम बुक में पढ़ते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं वो वाकई में हैं और आपकी बात सुनते हैं एज़ लॉन्ग एज आप दिल से उन्हें याद करें बातों बातों में जैसे आपने बताया कि भागवतम का एक बहुत ही मेरे इंसिडेंट हुआ आपके लाइफ में जैसे आपने अभी शेयर किया है तो मैं चाहूँगी कि भागवतम का जो रियलाइजेशन हुआ जो चेंजेस आपने फील किया उसको पढ़ने के बाद उसके बारे में थोड़ा बताइए तो जैसे कि मेरा साइंस बैकग्राउंड है मैं फार्मासिस्ट हूँ और कैंसर ट्रीटमेंट में मेरी स्पेशलिटी है तो बीइंग अ साइंस स्टूडेंट हम लोग क्या है क्यूरियस रहते हैं जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करें उसका रिजल्ट नहीं आया मानते नहीं है कि ऐसा हो सकता है तो सिमिलरली श्रीमद भागवतम, चलो बचपन में सुना कि यू नो लाइक इट्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड एंड बहुत हमारा पुराना और बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है तो ये सुना था बट मैंने कहा अरे बट मुझे खुद ही एक चीज़ एक्सपीरियंस एक करनी है तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा और और मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मिली फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें पूरा डिटेल में समझाया गया है कि यू you नो know, बेबी कैसे फॉर्म होता है माता की होम में और कैसे उसकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन दी गई है जो हम अपने साइंस से भी जब पढ़ते इतना डिटेल में नहीं समझ पाते हैं तो तब मुझे लगा कि दिस इज़ नॉट जस्ट ऑर्डिनरी नॉलेज दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी रिसर्च एंड साइंटिफिकली बेस्ड ऐसे नहीं कि किसी ने भी उठ के लिख दिया हो यू you नो know? उसमें हर एक टॉपिक के ऊपर डिटेल में दिया गया है तो आई फेल्ट कि आई रियली नीड टू स्टडी दिस इवन मोर अलॉन्ग साइड जो हम पढ़ते हैं स्कूल में वो सब ठीक है बट दिस नॉलेज इज़ समथिंग दैट टीचर्स आर अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड अस और जिसका एक साइंटिफिक बेसिस भी है तो जो साइंस के बच्चे या स्टूडेंट्स इस 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 वार्तालाप को सुन रहे हैं दिस इज़ फुल्ली बैक्ड बाई साइंटिफिक नॉलेज एंड इसको पढ़ के हम अपने डे टू डे लाइफ में भी और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं एक्चुअली एक ऐसा प्रश्न आ रहा है क्योंकि बचपन से ही आपने भक्तों का एसोसिएशन लिया है भक्ति करी है जाना है कि भगवान का प्रेम जो है वो कितना दिव्य है और इन मटेरियल लाइफ में जो हम प्राप्त करते हैं वो उन सब चीज़ों से भक्ति बहुत ज़्यादा ऊपर है तो आपने बचपन से ही भक्ति की की लाइफ को देखा भक्ति की जर्नी को आपने जिया है और आज उसका एक्सपीरियंस हमें शेयर कर रही हैं इसी के साथ यदि एक ऐसा प्रश्न है कि भक्ति यंग एज में ही क्यों करनी चाहिए तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं इसका एक मैं बहुत रिसेंट एग्जांपल देना चाहूँगी मैं कुछ ही दिन पहले अपने दादाजी के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी वो नाइन्टी के हैं तो वो भी भक्त हैं उनके पास बीट बैग है चैंटिंग माला है तो मैंने उनसे पूछा कि दादाजी आप माला नहीं करते आजकल तो कहते कि बेटा एक्चुअली मैं इतना ओल्ड हो गया हूँ कि मेरे हाथ इतने कांपते हैं कि मैं माला भी पकड़ के नहीं सही से कर पाता तो मुझे ये बात स्ट्राइक करी कि अभी हमारे पास एनर्जी है यूथ है तो हम अपनी एनर्जी को भगवान के प्रति लगाएँ जब जब हम पूरा अपने मेंटली फ़िज़िकली फ़ोकस कर पाए जैसे हम अगर हम और आप बात कर रहे हैं hmm. अगर मैं देखूँ वहाँ पे और बात आपसे करूँ तो आप बुरा मानेंगे राइट right? वैसे ही जब आप भगवान से इंटरेक्ट करते हैं तो हमारा पूरा अटेंशन उन्हीं पे होना चाहिए सो आई फील इन आर यूथ डेज वी आर फुल्ली एनर्जेटिक हमें नॉलेज है आजकल हम सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं हर जगह से हमें नॉलेज मिल रही है तो उसी एनर्जी को अगर हम भगवान के प्रति लगाएं यूथ इज़ द परफेक्ट टाइम और जैसे हम स्कूल में सीखते हैं या किसी भी नई चीज़ को पिकअप करते हैं हम कहते हैं प्रैक्टिस 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 तो जब तक हम इस चीज़ में प्रैक्टिस नहीं करेंगे या एक रेगुलरिटी नहीं लाएंगे तो हम फ्यूचर में जाके कैसे उस चीज़ को रेगुलरली कर पाएंगे राइट right? mm -hmm. जैसे हम खाना बनाते हैं बचपन से या यू नो यंग एज में जाके सीखते हैं रोटी कैसे बनानी है तो वो बनाते बनाते जैसे अभी हमारी मम्मी है या दादी है वो कितनी परफेक्टली राउंड रोटी बनाती हैं जो हमसे नहीं बनती तो सिमिलरली जब जब तक हम भक्ति शुरू से नहीं स्टार्ट करेंगे इट्स नॉट समथिंग दैट विल नेचुरली कम टू अस। सो यूथ इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर दिस बिकॉज हमारा माइंड भी उतना ही शार्प है कि हम उस चीज़ को ग्रहण कर सके समझ सके कि क्यों करना है आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ राइट ऑब्वियसली क्योंकि बहुत ही परफेक्ट आंसर दिया है आपने कि क्यों हमें यंग एज से भक्ति करनी चाहिए एक्चुअली बहुत सारे लोग जो है वो हमेशा इस चीज़ में रिजिडिटी हो जाते हैं रिजिडिटी आती है उनके अंदर कि भक्ति तो बुढ़ापे का काम है अभी से क्यों करो और माता पिता भी हालांकि अपने बच्चों को इस तरह देख नहीं पाते कि वो भक्ति कर रहे हैं तो वो साधु बन जाएंगे क्या आपके सामने भी कुछ ऐसे पेरेंट्स आए हैं जो ऐसा सोचते हो कि भक्ति अभी से मत करो ये तो बुढ़ापे का काम है अभी मत करो अभी टाइम नहीं है अभी तो मौज मस्ती करो तो इस पर कैसा एक्सपीरियंस है आपका मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो है ही है बट मैं एक भक्त जो जो प्रहलाद महाराज हैं पाँच साल के थे तब से ही उन्होंने भक्ति में रुचि ली और इतने यू नो वन ऑफ द मोस्ट जिनके कहते हैं एग्जाम्पल दिए जाते हैं उनके सो ही वाज नॉट जस्ट अ रेगुलर चाइल्ड जिन्होंने यू you नो know, भक्ति ग्रहण करके सब छोड़ दिया इनफैक्ट ही वॉज़ द रूलर ऑफ

While आई एम लुकिंग आफ्टर दैम आई एम थिंकिंग अबाउट कृष्णा कॉन्स्टेंटली तो ऐसे नहीं कि हमें सब छोड़ के जाना है हम अपने डे टू डे कार्यों में भगवान को याद कर सकते हैं वाह आज मौसम कितना अच्छा है भगवान की कितनी कृपा है मुझ पर कि मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ तो ऐसे स्मॉल स्मॉल इंसडेंसेज में आप भगवान को अपने साथ जोड़ के रख सकते हैं बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके आपने जो अपने रियलाइजेशन और एक्सपीरियंसिस हमसे शेयर किए वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है इससे बहुत सारे यूथ जो है और हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग जो आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं वो इंस्पायर होंगे इसी के साथ यदि एक मैसेज देना चाहे यूथ को तो वो क्या होगा यही है कि बहुत लोग सोचते हैं कि यू नो ये 25 साल से विदेश में रह रहे हैं तो तब भी इनकी भक्ति में रुचि क्यों है या ये मंदिर क्यों जाते हैं यू uh, नो you know, बाकी चीज़ें नहीं करते तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बचपन में हमें जिस चीज़ का एक्सपोजर मिलता है तब हमें उसकी वैल्यू पता नहीं चलती बट घर से दूर जाने के बाद या उस चीज़ की जब कमी हमारे जीवन में आती है तब हमें उसकी असली वैल्यू पता चलती है और मैं आप सबसे यही निवेदन करती हूँ कि आप उस इस चीज़ की जो मिसिंग एसेंस आपकी लाइफ में है या यू you नो know, जो हम टाइम निकालते हैं आजकल वेब सीरीज़ देखने का बहुत शौक़ है मैं खुद भी देखती हूँ बट हम थोड़ा सा टाइम इस चीज़ के लिए निकालें जो हमारी लाइफ का एसेंस है जिसकी वजह से हम हैं हमारे आसपास जो चल रहा है वो सब है इज़ बिकॉज ऑफ दिस सो वी शुड अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट यू नो हाउ वी हैव कम टू बी लॉर्ड ऑफ अस वांट टू नो कि हम यहाँ क्यों हैं हमारा क्या पर्पस है कि सब चीज़ें भगवान से जुड़ के उनके बारे में समझ के हमें पता चल सकती हैं तो अगर आपको कोई इस मार्ग पर लेके जा रहा है या गाइड कर रहा है चाहे आप अभी ना इंटरेस्ट लें बट कुछ समय बाद आप इस चीज़ की ज़रूर वैल्यू करेंगे और मैं हरी कृष्णा टी से बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैं हरे कृष्णा टी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ योगा स्टोरीज़ जो एक शॉर्ट स्निपेट्स आते हैं मैं वो बहुत फॉलो करती हूँ और इस्पेशली सीधी बात प्रभु जी के साथ तो मेरा बहुत फेवरेट है सो थैंक यू सो मच हरे कृष्णा फॉर कॉलिंग मी हेयर ऑन योर चैनल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस यू वेरी प्रेशियस टाइम हरे कृष्णा so तो ऋषिका जी ने हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई है कि हमारे लाइफ का पर्पस क्या है ये हम भक्ति से समझ सकते हैं जब हम अपने आप को भगवान से जोड़ते हैं जब हम कनेक्शन फ़ील करते हैं भगवान के साथ तब हम ये रियलाइज़ कर पाते हैं कि एक्चुअल हमारा पर्पस क्या है इस लाइफ में आने के लिए और हम इस लाइफ में क्यों आए हैं इसी के साथ बहुत सारी ऐसी बातें हमने सीखी है जिसे वाकई अगर हम ध्यान से देखें और ध्यान से समझने की कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा डीप है लेकिन बहुत इजीएस्ट वे में और एग्जाम्पल्स के साथ ऋषिका जी ने आज हमें समझाया है कि हमें क्यों भक्ति करनी चाहिए और क्यों ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसी के साथ एक नए एपिसोड में मिलेंगे एक नए कड़ी में हम मिलेंगे नए भक्त के साथ एक नए उत्साह के साथ थैंक यू सो मच हरे कृष्णा ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें सेवन ट्रिपल सिक्स एट थ्री नाइन एट थ्री नाइन